हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चार मूवी का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहले बार हो तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो में कर दो लाइक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं रंगावली मूवी के बारे में। दोस्तों रंगावली मूवी आज फर्स्ट डे पर कितना करोड़ की कलेक्शन किया है दोस्तों, साथ ही साथ हम जानेंगे पंजाबी मूवी कैरी ऑन जाटा 3 मूवी के 9 डे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। साथ ही साथ हम जानेंगे उदरंगी मूवी आज बॉक्स ऑफिस में कितना करोड़ के इंडियन नेट कलेक्शन किया है। और एक मूवी है जिसका नाम है मामानान मूवी आज बॉक्स ऑफिस पे 9 डे पर कितना करोड़ की कलेक्शन किया है दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं रंगावली मूवी के फर्स्ट डे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों रंगावली मूवी में आपको देखने को मिलेगा कॉमेडी रोमांस। इस मूवी में आपको लीड रोल पे देखने को मिलेगा नागा सूर्या आर शरद कुमार और मुरली और भी कई कलाकार इस मूवी में शामिल है। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है पवन बसंत शेट्टी ने। वही दोस्तों ये मूवी को इंडिया में आज रिलीज किया गया है तेलुगु लैंग्वेज पर। दोस्तों स्क्रीन काउंट के बारे में बात किया जाए तो रंगावली मूवी को 600 स्क्रीन पर पूरे वर्ल्ड वाइड पर रिलीज किया गया है। दोस्तों बजट के बारे में बात किया जाए तो रंगावली मूवी का बजट है 15 करोड़ रुपीस। बात किया जाए रंगावली मूवी आज ओपनिंग डे पर कितना करोड़ की ओपनिंग लिया है, तो दोस्तों रंगावली मूवी आज फर्स्ट डे पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है इंडियन नेट 1 करोड़ 80 लाख रुपीस, जिसका फर्स्ट डे का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 2 करोड़ रुपीस। अब बात करते हैं ओवरसीज यानी इंडिया का बाहर से रंगावली मूवी आज 15 लाख की कलेक्शन किया है। दोस्तों इंडिया ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन दोनों को ऐड किया जाए तो रंगावली मूवी का फर्स्ट डे का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 2 करोड़ 15 लाख रुपीस की। दोस्तों आपको क्या लगता है रंगावली मूवी बॉक्स ऑफिस पे हिट होगा ना फ्लॉप होगा? दोस्तों अब बात करते हैं कैरी ऑन जाटा 3 मूवी के 9 डे की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। ये मूवी आज कितना करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या है? दोस्तों कैरी ऑन जाटा कॉमेडी ड्रामा रोमांस टाइप का मूवी है। आपको लीड रोल पर देखने को मिलेगा गिप्पी ग्रेवाल को, सनम बुजवा को इस मूवी में देखने को मिलेगा। दोस्तों ये मूवी का डायरेक्ट का है सैम किंग ने। ये मूवी को इंडिया में पंजाबी हिंदी लैंग्वेज पर रिलीज किया गया है 29 जून 2023 पर। दोस्तों स्क्रीन काउंट के बारे में बात किया जाए तो कैरी ऑन जाटा 3 मूवी को इंडिया में स्क्रीन मिला है 600। बात किया जाए कैरी ऑन जाटा 3 मूवी के बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के, तो ये मूवी का बजट है 15 करोड़ रुपीस। वही दोस्तों ये मूवी आज बॉक्स ऑफिस पे 9 डे पर इंडियन नेट कलेक्शन किया है 3 करोड़ रुपीस। इसी के साथ दोस्तों इस मूवी का टोटल 9 डे का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो जाता है 47 करोड़ रुपीस। दोस्तों आपको क्या लगता है कैरी ऑन जाटा 3 मूवी लाइफ टाइम में कितना करोड़ की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकते हैं? दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। दोस्तों बात किया जाए उदरंगी मूवी के बारे में। दोस्तों ये मूवी में आपको देखने को मिलेगा एक्शन ड्रामा थ्रिलर। मेन स्टार कास्ट के बात किया जाए तो ये मूवी में आपको देखने को मिलेगा जगपति बाबू, ममता मोहनदास, भीमला रमन। दोस्तों डायरेक्टर की बात किया जाए तो उदरंगी मूवी को डायरेक्ट किया है अजय सम्राट ने। ये मूवी को तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज किया गया है आज 7 जुलाई 2023 पर। इस काउंट के बारे में बात किया जाए तो ये मूवी को 1200 स्क्रीन यानी 1200 स्क्रीन पर ये मूवी को वर्ल्ड वाइड पर रिलीज किया गया है। बात किया जाए उदरंगी मूवी का बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो उदरंगी मूवी का बजट है 20 करोड़ रुपीस और ये मूवी आज ओपनिंग डे यानी फर्स्ट डे पे कलेक्शन किया है इंडियन नेट 1 करोड़ रुपीस, जिसका ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 1 करोड़ 15 लाख रुपीस की। दोस्तों ओवरसीज यानी इंडिया के बाहर से उदरंगी मूवी आज कलेक्शन किया है 9 लाख रुपीस की। दोस्तों इसी के साथ इंडिया ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन दोनों को ऐड किया जाए तो उदरंगी मूवी का फर्स्ट डे का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 1 करोड़ 24 लाख रुपीस की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है उदरंगी मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट होगा ना फ्लॉप होगा? प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं मामानान मूवी के बारे में। दोस्तों ये मूवी आज बॉक्स ऑफिस पर 9 डे हो चुके हैं। दोस्तों मामानान मूवी ड्रामा थ्रिलर टाइप का मूवी है। मेन स्टार कास्ट में आपको देखने को मिलेगा फरहाद फासिल, कीर्ति सुरेश, भेदी भेलू को। दोस्तों इस मूवी को डायरेक्ट किया है मेरी सिल्वराज। दोस्तों मामानान मूवी इंडिया में तमिल और
तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज किया गया है 29 जून 2023 पर। दोस्तों स्क्रीन काउंट के बारे में बात किया जाए तो मावानन मूवी को टोटल 2200 स्क्रीन पर पूरे वर्ल्ड वाइड पर रिलीज किया गया है। मावानन मूवी का बजट है 25 करोड़ रुपीज। दोस्तों ये मूवी आज 9 डे पे इंडियन नेट कलेक्शन क्या है 2 करोड़ 50 लाख रुपीज की। इसी के साथ दोस्तों मावानन मूवी का टोटल 9 डे इंडियन नेट कलेक्शन हो जाता है 36 करोड़ रुपीज की, जिसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है 43 करोड़ 25 लाख रुपीज की। दोस्तों मावानन मूवी का टोटल 9 डे की ओवरसीज कलेक्शन अभी तक ऐड हुआ है 4 करोड़ 15 लाख रुपीज की। दोस्तों इंडिया ग्रॉस कलेक्शन और ओवरसीज कलेक्शन दोनों को ऐड किया जाए तो मावानन मूवी आज 9 डे पे टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन क्या है 55 करोड़ रुपीज की। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, मावानन मूवी बॉक्स ऑफिस में हिट होगा ना ब्लॉकबस्टर होगा? प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। दोस्तों